नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी मौसम की स्पेशल रिपोर्ट में। ज्यों ज्यों हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, त्यों त्यों राजनीतिक पार्टियों ने अपने दाम लगाना शुरू कर दिया है। हरियाणा में कांग्रेस 11 अक्टूबर को अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब विधानसभा चुनावों में खेले मास्टर कार्ड को हरियाणा में भी आजमाने जा रही है। दरअसल इन राज्यों में कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का मास्टर स्ट्रोक खेला था और सत्ता हासिल करने में कांग्रेस का ये कार्ड कामयाब भी हुआ था। अब हरियाणा में भी कांग्रेस वही किसान कर्ज माफी का वादा करने जा रही है ताकि कांग्रेस हरियाणा के किसानों को लुभा सके। लेकिन अगर आप हरियाणा से हैं तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब राज्यों में कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का बिल्कुल झूठा वादा किया था। और मैं खुद राजस्थान से हूं, हनुमानगढ़ से हूं। राजस्थान में राहुल गांधी ने सरकार बनने के 10 दिन के भीतर किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का झूठा वादा किया, जिससे कि किसानों से किया था, लेकिन 10 दिन की बजाय सरकार बने 10 महीने हो गए हैं, अभी तक तो किसी किसान का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। इसलिए कांग्रेस के इस किसान कर्ज माफी वाले झूठे झांसे में ना आए। बेरोजगारों को 3,500 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी राहुल गांधी ने किया था, अभी तक तो किसी बेरोजगार को भत्ता मिला नहीं है। हरियाणा के चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस वृद्धावस्था पेंशन को 5,100 रुपये करने का प्रस्ताव भी ला रही है। अब देखना ये रह गया है कि ये मास्टर स्ट्रोक हरियाणा में कितना काम करेगा। दूसरी तरफ हरियाणा में अशोक तंवर जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। अशोक तंवर जैसे दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस अब राहुल गांधी गुट और सोनिया गांधी गुट दो खेमों में बंट चुका है। ऐसे में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी मौसम में राहुल गांधी चुनाव प्रचार से बचने के लिए इटली घूमने के लिए निकल चुके हैं। राहुल गांधी है वो इटली घूमने के लिए जा चुके हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस अब बिखर चुकी है और टूटकर चुकना चूर हो चुकी है। जब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी चुनावी मौसम में विदेश घूमने चला गया तो पीछे कांग्रेस को कौन, कांग्रेस की कमान है वो कौन संभालेगा। ऐसी स्थिति में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी का सपना कांग्रेस मुक्त और मोदी युक्त भारत खुद कांग्रेस ही पूरा करने जा रही है। इसी बीच राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार ने भी हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी मैदान की ग्राउंड रिपोर्ट, अपडेटेड ग्राउंड रिपोर्ट है वो जारी कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में शिवसेना से आदित्य ठाकरे एक मजबूत चेहरे के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है। राष्ट्रीय फलौदी सट्टा बाजार ने शिवसेना को महाराष्ट्र में अपनी पिछली सर्वे में 95 सीटें दी थी, लेकिन इस बार आदित्य ठाकरे की पॉपुलरिटी और उनके जन सैलाब के दौरान हुई नई अपडेटेड सर्वे के अनुसार शिवसेना को 98 सीटें फलौदी सट्टा बाजार दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, 3 सीटें हैं वो पिछले जो सर्वे थी उसके हिसाब से 3 सीटें बढ़ा करके फलौदी सट्टा बाजार ने 98 सीटें शिवसेना के खाते में डाल दी है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को फलौदी सट्टा बाजार ने अपनी नई आज की सर्वे के अनुसार 22 सीटें दी है, जबकि पिछली जो सर्वे थी उसके हिसाब से कांग्रेस को 23 सीटें मिल रही थी। यहाँ 1 सीट का लॉस हुआ है कांग्रेस को, यानी जो शिवसेना की सीटें बढ़ी है उसमें से एक पर जो कांग्रेस की 1 सीट है उस पर शिवसेना ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस की बात करें तो पहले जो 240 रुपये का भाव दिया जा रहा था कांग्रेस की सरकार बनने पर, वहीं अब 245 रुपये का भाव फलौदी सट्टा बाजार दे रहा है। 5 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ सट्टा भाव में भी हुई है कांग्रेस के। वहीं एनसीपी को 31 सीटें फलौदी सट्टा बाजार दे रहा है। हाल ही में
हालांकि पिछली सर्वे में फिरोजी सट्टा बाजार ने एनसीपी को 33 सीटें हैं वो सुरक्षित रखी थी एनसीपी के लिए, लेकिन अब की बार जो नई सर्वे आज की सर्वे है उसके हिसाब से 2 सीटें एनसीपी को कम मिलने वाली है, यानी अभी 31 सीटें हैं वो एनसीपी को मिलने वाली है। वैसे तो एनसीपी के लिए अलग से किसी तरह का कोई भाव नहीं दिया गया है, लेकिन यूपीए के लिए जो यूपीए सरकार है उसके लिए ज़रूर भाव दिया गया है। अब फिरोजी सट्टा बाजार के अनुसार यदि यूपीए अपनी सरकार बना लेती है महाराष्ट्र में तो 235 रुपये का भाव दिया जा रहा है, हालांकि पिछले सर्वे के अनुसार 225 रुपये का भाव था जो 10 रुपये बढ़ा करके 235 रुपये कर दिया गया है। वहीं बीजेपी को पिछली सर्वे में भी 129 सीटें ही फिरोजी सट्टा बाजार दे रहा था और इस बार भी 129 सीटें ही बीजेपी को फिरोजी सट्टा बाजार है वो दे रहा है। इसी बीच एनडीए की सरकार बनने पर यानी शिवसेना के साथ मिलकर, सिर्फ शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना लेती है तो बराबर का भाव है वो फिरोजी सट्टा बाजार द्वारा दिया जा रहा है। वहीं फिरोजी सट्टा बाजार ने 8 सीटें हैं वो अन्य के खाते में डाल दी है, यानी अन्य जो बीजेपी के साथ वाले एनडीए के साथ वाले जो शिवसेना को छोड़कर अदर जो सहायक दल हैं वो मिलकर के 8 सीटें ले सकते हैं और एनडीए यानी जो बीजेपी और जो शिवसेना को छोड़कर अन्य दल है वो मिलकर के यदि महाराष्ट्र के अंदर सरकार बना लेते हैं तो फिरोजी सट्टा बाजार 30 रुपये का भाव दे रहा है, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो एनडीए महाराष्ट्र में दोबारा रिपीट हो रही है फिरोजी सट्टा बाजार के अनुसार। वहीं हरियाणा में कांग्रेस को फिरोजी सट्टा बाजार काफ़ी कमज़ोर बता रही है, ऐसे में सट्टा बाजार ने कांग्रेस की स्थिति काफ़ी ख़राब बताई है। तो वहीं नई सर्वे में बीजेपी सीटों की बढ़ोतरी भी काफ़ी ज़्यादा हुई है हरियाणा के अंदर, जिस तरह से INLD और JGP दो भागों में बंट चुकी है तो जाट समीकरण के वोट हैं वो भी उथल पुथल हो चुके हैं। इसी बीच इन सभी कंडीशंस के अंदर जिस तरह से जो अशोक तंवर जैसे नेता कांग्रेस के खिलाफ आ चुके हैं, बगावत कर चुके हैं अपनी पार्टी से, उस तरह से सभी जगहों पर बीजेपी को काफ़ी बढ़ावा मिला है, बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग होती नज़र आ रही है हरियाणा में। और राष्ट्रीय फिरोजी सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस को हरियाणा के अंदर 5 सीटें सुरक्षित रखी गई है, यानी फिरोजी सट्टा बाजार ने 5 सीटें कांग्रेस को दी है, हालांकि पिछली सर्वे में कांग्रेस को 6 सीटें फिरोजी सट्टा बाजार ने दी थी, इस बार एक कम हो चुकी है। कुल मिलाकर अब कांग्रेस को 295 रुपये का भाव राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है, यानी जो व्यापारी 1 रुपये का सट्टा लगाएंगे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें 295 रुपये मिलने वाले हैं। पिछली सर्वे के अनुसार फिरोजी सट्टा बाजार ने 290 रुपये का भाव कांग्रेस को दिया था, इस बार बढ़ाकर 5 रुपये बढ़ा करके 295 रुपये कर दिया है। वहीं JGP को 22 सीटें हैं वो फिरोजी सट्टा बाजार दे रहा है, फिरोजी सट्टा बाजार के अनुसार 22 सीटें JGP के खाते में जाने वाली है, हालांकि पिछली सर्वे में 23 सीटें दी थी, वहीं एक सीट में कमी JGP में भी देखी जा सकती है। और अब जो JGP को भाव दिया जा रहा है वो 130 रुपये का भाव दिया जा रहा है, यदि अब JGP हरियाणा के अंदर अकेले सरकार बना लेती है बहुमत के साथ तो 130 रुपये का भाव दिया जा रहा है, जो पिछली सर्वे में 120 रुपये था, इस बार 10 रुपये फिरोजी सट्टा बाजार ने JGP का भाव बढ़ा दिया है। INLD को 15 सीटें दी गई है, पहले सर्वे में भी 15 सीटें ही INLD को फिरोजी सट्टा बाजार है वो दे रहा था और फिरोजी सट्टा बाजार INLD को 135 रुपये का भाव दे रहा है, जो पिछली सर्वे में भी 135 रुपये था वहीं टिका हुआ है, बराबर वहीं पर टिका हुआ है। और फिरोजी सट्टा बाजार ने 2 सीटें हैं वो अन्य के खाते में डाल दी है, हरियाणा में 2 निर्दलीय या अन्य जो भी दल हैं उनकी खाते में 2 सीटें डाल दी गई है। वहीं बीजेपी को इस बार काफ़ी फायदा भी हुआ है, हरियाणा में 46 सीटें हैं वो फिरोजी सट्टा बाजार ने बीजेपी को दी है, पिछली बार 44 सीटें हैं वो बीजेपी को दी गई थी, इस बार नहीं, आज की सर्वे के अनुसार फिरोजी सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बना रही है, यानी 2 सीटें बढ़ा दी गई है, 44 से 46 कर दी गई है और अब फिरोजी सट्टा बाजार है वो बीजेपी को बराबर का भाव है वो दे रहा है। पिछली सर्वे के अनुसार 3 रुपये का भाव बीजेपी को मिल रहा था जो अब घटा करके बराबर का
कर दिया गया है। और एनडीए की सरकार बनने पर जो मतलब बीजेपी के साथ मिलकर के अगर किसी तरह की कोई कोई दल है वो मिलकर के या निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो जीत करके अगर बीजेपी के साथ मिलते हैं तो भी उन्हें बराबर का भाव ही दिया जा रहा है। पिछली जो सर्वे थी उसमें भी बराबर का भाव था और इस बार भी बराबर का भाव है वो एनडीए को हरियाणा में दिया जा रहा है। कुल मिलाकर दोनों ही राज्यों में महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी काफ़ी मजबूत हैं। अगर आप भी हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के वोटर मतदाता या फिर उनसे किसी तरह का आपका कोई संबंध है हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर या फिर किसी तरह की कोई जानकारी आप रखते हैं तो आप अभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हरियाणा और महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है। आपको हमारी ये हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव फ्लोरी सट्टा बाजार की सर्वे कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको पल पल की रिपोर्ट है वो चुनावी मैदान की मिलती रहेगी। साथ ही काला धन की फर्स्ट लिस्ट है वो स्विस बैंक ने जारी कर दी है। स्विस बैंक के जो खाताधारक हैं उसकी वीडियो आई बटन में दी गई है, आप वो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।